बिहार सरकार शराबबंदी को लेकर सख्त रवैया अपनाई है। वहीं गढ़हानी के मधुरी गांव में शराब बेचने के विरोध में एक चाचा ने अपनी भतीजी को गोली मार दी। क्या कहना है पीड़िता के मां का, आइए सुनते हैं। बिहार में जहां जहरीली शराब से मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि भोजपुर में रिश्ते को तार तार करते हुए एक चाचा ने अपनी भतीजी को महज शराब पीने व बिक्री करने के विरोध में गोलियां मारकर छलनी कर दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गढ़हानी थाना क्षेत्र के मधुरी गांव निवासी रास बिहारी चौहान की पुत्री सुनहली कुमारी को अपने चाचा के द्वारा अवैध शराब की बिक्री व रोज रोज शराब पीने की आदत से तंग आ गई थी, जिस पर वह आज अपने चाचा के शराब पीने व बिक्री करने का विरोध करने लगी। तभी नशे में धुत चाचा ने गोली मारकर सुनहली कुमारी को जख्मी कर दिया। गोली का छारा सुनहली को इस कदर लगा कि पूरे शरीर में निशान हो गए। यह आरोप जख्मी की मां अपने देवर पर कथित तौर पर लगा रही है। इधर घटना के बाद घर में पूरी तरह अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। आनन फानन में परिजन जख्मी सुनहली को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाए, जहां चिकित्सकों ने उसकी चिंताजनक स्थिति को देखते हुए पटना PMCH रेफर कर दिया। वहीं सदर अस्पताल में मौजूद पुलिस के अधिकारी इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मधुरी गांव में एक चाचा ने अपनी ही भतीजी को गोली मारकर जख्मी कर दिया, फिलहाल उसे पटना रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस मामले की छानबीन कर रही है आखिरकार गोली किस कारण से मारी गई है। मधुरी में कौन सा नाम पड़ेगा? तो शराब बेच रहे थे, उसका विरोध करने पर गोली मार रही है। तो पहले से भी लोग शराब बेचता था लोग, तो इस लड़की को क्यों गोली मार दिए लोग? धरे में कि चाचा हमरा तो मम्मी के मारत था, मार देलो उठा कर। तो कौन मारा है गोली? अपने घर ही का आदमी को? हां चाचा हमर छोट देवर, हमर लइके के चाचा। इन लड़की के चाचा गोली मारे हैं? हां अभी है का चाचा उसके घर ही नहीं है यार। आप कौन है लड़की के? मम्मी हम है, परमाई। क्या नाम है आपका? जमीरा देवी। और लड़की बच्ची का नाम क्या है? सोनावली देवी, सोनावली कुमारी। कहाँ घर हुआ आप लोगों का? मधुरी। सनहुली कुमारी, पिता रास बिहारी, मधुरी गांव ग्राम है गढ़हानी थाना के। अभी लोग आए हैं तो प्रथम दृष्टया अभी जांच चल रहा है, लेकिन राइफल से इनके चाचा के द्वारा फायर करने पर छर्रा जहाँ तक हो सकता है संभवतः लगा है, और ये जल्दबाजी होने के चलते रेफर किया जा रहा है पटना। शराब बेचने का विरोध करने पे आ रहा है, इस बारे में तो जांच किया जा रहा है। अभी स्पष्ट रूप से क्लियर बता नहीं पाएंगे। स्थिति क्या है? लड़की तो ठीक है, रेफर किया जा रहा है।